बावल कस्बा के गांव प्राणपुरा स्थित सरकारी राशन डिपो पर छापेमारी की। इस दौरान स्टॉक चेक करने पर काफी गड़बड़ी पाई गई है। डिपो होल्डर के खिलाफ पुलिस में शिकायत दी गई है। सीएम फ्लाइंग की टीम को शिकायत मिली थी कि गांव प्राणपुरा में स्थित सरकारी राशन डिपो में काफी गड़बड़ी चल रही है। डिपो होल्डर कार्ड धारकों को पूरा राशन नहीं दे रहा। शिकायत के बाद गुरुवार को सीएम फ्लाइंग की टीम ने खाद्य एवं आपूर्ति विभाग के अधिकारियों के साथ मिलकर डिपो पर छापेमारी की। गांव प्राणपुरा का राशन डिपो सरजीत सिंह के नाम पर है। छापेमारी के दौरान पुलिस ने डिपो होल्डर को भी बुला लिया और फिर स्टॉक को चेक किया तो रिकॉर्ड में 3 क्विंटल गेहूं व 3 क्विंटल बाजरा कम मिला। इतना ही नहीं 25 किलो चीनी ज्यादा पाई गई। स्टॉक में गड़बड़ी पर डिपो होल्डर कोई संतोषजनक जवाब नहीं दे पाया। डिपो होल्डर के खिलाफ पुलिस में शिकायत दी गई है। मुख्यमंत्री उड़नदस्ता रेवाड़ी की टीम के द्वारा एक गुप्त सूचना के आधार पर बावल थाना क्षेत्र में प्राणपुरा और उगरा दो गांवों के राशन डिपो चेक किए गए। तो जो नांगल उगरा गांव का जो राशन डिपो था उसमें कोई विशेष अनियमितता नहीं पाई गई। सिर्फ बोर्ड वगैरह था, वो विभागीय काम वो करेंगे। परंतु प्राणपुरा गांव के जो राशन डिपो उसमें गेहूं और बाजरा में लगभग 6 क्विंटल की जो फ़र्क मिला है मशीन के हिसाब से, इसके आधार पर खाद्य एवं आपूर्ति विभाग के अधिकारियों के द्वारा FIR दर्ज करने के लिए पुलिस स्टेशन बावल में कार्रवाई शुरू कर दी गई है और नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।